वो तो सिंसियर है, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। आपके पास वहाँ एवरेज पर्सन ग्रेजुएट है। वाह मोदी जी वाह। हमारा देखिए इंग्लिश बोल नहीं सकता, फिक्र ना करें। आप एवरेज देखें, बहुत परसेंटेज डाउन है, लोग भूल जाएंगे इसको। हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी परसेंटेज देखें बहुत डाउन है। तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ। पूछा मैंने कुछ? तो आज का वीडियो ऐसा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की मार चल रही है उससे बचने के लिए पाकिस्तान के लोगों ने सोचा कि भाई अपना जो एटम बम है रुको जरा उसको ही बेच दे। लेकिन पहली बात तो कि एटम बम को खरीदेगा कौन? पाकिस्तान का हर जाहिल, बच्चा, बूढ़ा, जवान सब एक ही डायलॉग बोलता है ना, वी एटॉमिक वॉर, कि हम एटमिक पावर हैं, हमारे पास हर साइज का मसाला है। तो फिर यार ये डायलॉग कौन बोलेगा? कान तरस जाएंगे मेरे ये सब सुनने के लिए। बात तो सही है, मैं ये नहीं देख सकता। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलिए अपन आनंद लेते हैं पुरखियों की जाहिलता का, आइए देखते हैं मजा आएगा। बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे मगर क्यों? क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बम एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम करीब इंशाल्लाह आप देख लें IMF के ताबे जो है वो भी हम बेचेंगे। आपने सबसे पहले घबराना, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। हम शुद्ध गरीब है। आज तालिबान ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के जिम्मेदार है। और एक और भी उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया, पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है, जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है, क्या किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है? क्यों घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं आप लोग सड़कों पर? बताएं कि इन हालात में, जैसे हालात हमारे जो हुकूमत हमें प्रोवाइड कर रही है, तो क्या इस हालात में सरवाइव करना एक आम बंदे के लिए इजी है? तो इस तरह के हालात में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा खाना पीना, हमारी फीसिस, हमारी जो है हर किस्म की फैसिलिटीज जो हमसे छीन ली गई है। तौबा तौबा। देखो मेरे भाई क्या बैनर लेकर बैठे हैं, से नो टू IMF। IMF को नो बोलने वाले तुम होते कौन हो? जबान से पोछा लगवाएगा। हैसियत क्या है तुम्हारी IMF के आगे? पता नहीं, कटोरा लेके तो खुद जाते हो और खुद ही नो बोल रहे हो यार। ये बात है जो के हालात खराब है, कि या आवाम का अपना कसूर है या फिर कोई और ताकत इन्वॉल्व। आवाम ने इस तरह के लोगों को सिलेक्ट किया हुआ है, करप्ट लोगों को, तो तब तो जाहिर बात है कि हमारा कसूर है ना। करप्ट लोगों को सिलेक्ट करेंगे, वोट देंगे तो तभी तो वो, अगर इस्लामिक लोगों को तो हम प्रेफर ही नहीं करते हैं। अगर इस्लामिक लोगों को प्रेफर करें तो ऐसे करप्ट लोग तो ना आए ना। अगर करप्ट लोग जो हैं वो आएंगे तो वो तो अपना ईमान बेच कर आ रहे हैं ना, तो जो ईमान बेच देगा वो तो पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी, सारी जो हमारा एक न्यूक्लियर पावर है हमारी, उसको भी सेल कर सकते हैं। एक न्यूक्लियर पावर ही हमारे पास है, जिस तरह से यूक्रेन को ऊपर साइन करवाया गया कि आपने न्यूक्लियर पैसे देकर यूक्रेन को कहा कि आज के बाद आपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने, तो आज देख सकते हैं यूक्रेन पर कितना जुल्म हो रहा है। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग चल रही है, क्या हमारे वेपन्स अगर अल्लाह ना करे अगर हम फरोख कर देते हैं तो आपको नहीं लगता कि आसपास हमारे दुश्मन हम पर हमलावर हो जाएंगे? नहीं, जाहिर बात है अगर हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है। क्या बोला तूने? आर्मी स्ट्रांग वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है। मस्त जोक मारा रे। पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग नहीं, भगोड़ी है। तालिबान कभी भी पाकिस्तान आर्मी को उड़ा देता है। कहाँ से स्ट्रांग है बे? पता नहीं। आने वाले टाइम के अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात, इंडिया को हम कंपैरिजन करते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने बड़ी दफा कोशिश की कि पाकिस्तान उनके साथ लेन देन करे, ट्रेड करे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये बताती है कि कश्मीर का मसला बता देती है, इस पर हम उनसे लेन देन नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं आप?
वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। आपके पास वहाँ एवरेज पर्सन ग्रेजुएट है। वाह मोदी जी वाह। हमारा देखिए इंग्लिश बोल नहीं सकता, फिक्र ना करें। आप एवरेज देखें, बहुत परसेंटेज डाउन है, लोग भूल जाएंगे इसको। हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी परसेंटेज देखें बहुत डाउन है। सही बात है, बिल्कुल। आपके जो हाथ में बैनर है वो ही बता रहे हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। हमारी सिंसियरिटी की कमी है, बेईमानी है हमारे अंदर और करप्शन है। शाबाश बेटा। तो कहते हैं मुसलमान बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। क्या हम ओरिजिनल मुसलमान है या फिर हम नाम के मुसलमान रह गए, इस वजह से अल्लाह ताला के अजाब हम पर नाज़िल हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ज़ाहिर बात है हम ओरिजिनल नहीं है। एक्चुअली जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। हम सब जो है ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है क्योंकि ज्यादा मेजोरिटी जो है वो पसंद करते हैं इस तरह के लोगों को। अगर इस्लामिक लोग आएंगे तो ज़ाहिर बात है उन पर सारी पाबंदियाँ लगेंगी और हर कोई पाबंदी पसंद नहीं करता। क्या बात? सर जरदारी साहब की जब हुकूमत थी, जरदारी साहब 100 बिलियन डॉलर्स में न्यूक्लियर का सौदा करने जा रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात के तहत ये सौदा ना हो सका। तो सर अभी रिसेंटली अगर ये होता तो तालिबान ने कहा कि मुल्क के जो हालात खराब है इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, इसको कैसे देखते हैं? सही, ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। जब हमारे अंदर कमजोरी है, चोर है हम, तो हम गुलाम है, तो हम कुछ भी फिर मानेंगे। ये सच्चा पाकिस्तानी है, सच बोल। क्या बात कर रहे हैं? हालात ये है जी, ये मुल्क किसके नाम पे लिया था? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है जी, ये अल्लाह से बेवफाई किन लोगों ने की? मुसलमानों ने। इस मुल्क को अगर अमन देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं, चैन देना चाहते हैं, महंगाई से इसका अजाब छुड़ाना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी का साथ देना पड़ेगा। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। कहाँ आए हो, घर छोड़कर बाहर क्यों आ गए हो, क्या वजह है? ये हम माल रोड पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि आज का जो इतनी महंगाई चल रही है वो किस वजह से और क्यों है, और जो इतना पेट्रोल महंगा है, इतनी चीजें चिकन के किचन के इतनी हो गई है, वो चिकन और किचन में कंफ्यूज है बच्ची। अच्छा, इसलिए हम इसके रैली पर आए हैं। ये जो आपने स्लोगन उठाया हुआ इस पे क्या लिखा हुआ अंदर, क्या इस पे लिखा हुआ है? हुक्मरानों हमें जीतने का हक दो। क्या हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं? तो इसी तरह ही है जी, जुल्म ही, इस तरह का एक जुल्म ही है ये भी, जिसलिए कि हम इतने वो महंगाई का वो दौर आ गए। पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन जब से ये भी आए हैं तक ये उस वक्त तक ये चल रही है। तो सही, करप्ट हुक्मरानों से नहीं जा चाहिए, हमें इंसाफ के हुक्मरान चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी की हुकूमत आए और ताकि जो है पाकिस्तान है वो एक सीधी लाइन में चले। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे। स्लोगन उठाया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नोट हुआ IMF। Yes. इस बच्चे को ये भी नहीं पता कि उस पर क्या स्लोगन लिखा है, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा, बस उसको बिठा दिया है। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत जबरदस्त ये लिखा हुआ, से नो टू IMF। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप बताएं कि क्यों आपने क्या स्लोगन उठाया हुआ? से नो टू IMF, हुक्मरान सिर्फ अवामों का खाना लूट के खाती है और कुछ नहीं करती, बंदों को कोई आजादी नहीं मिली हुई यहाँ पे। हमारी खाने की चीजें भी इतनी महंगी हुई है, हमारा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जमात इस्लामी की हुकूमत है, और हम लोग सारे बच्चे जमीयत कारकुनान के हैं। हमारा ओरियो बिस्किट भी महंगा हुआ है। ओरियो बिस्किट भी महंगा हो गया, क्या कर सकते हैं भैया, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये देखा आपने वीडियो, पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है, अपने न्यूक्लियर वेपन तक बेचने को आ गए हैं, और ऐसा ही हाल रहा तो बेचने भी पड़ेंगे यार, क्योंकि रोटी पहले है, भूखे पेट लड़ाई भी नहीं होगी इनसे। न्यूक्लियर वेपन रख रखे हैं ना, उनका क्या करेंगे यार, मुझे तो लगता है उनके पकोड़े तल के खा लो यार। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आज का वीडियो था ये, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, जय श्री राम।